हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि आपकी पहले मैं इसको रीड करवा चुकी हूँ, फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट ए पार्ट है, पेज नंबर 14। आज हम इसके कवर करेंगे पेज नंबर 14, 15, 16 एंड 17। बहुत ही इजी है ये, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पेज नंबर 14 है, इसमें जंबल्ड वर्ड दिए हुए हैं, आपको इनको ठीक करके लिखना है। पहले नंबर पे है कंप्यूटर, जिसकी स्पेलिंग सबको आती है ना, COMPUTER, कंप्यूटर। सेकंड है मशीन, MACHINE, मशीन। थर्ड है स्मार्टफोन, SMART, स्मार्ट फोन, PHONE, फोन। फोर्थ है लैपटॉप, LAPTOP। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में चार पॉइंट हैं आपके, कंप्यूटर, मशीन, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, बी पार्ट पे। इसमें है आपका मैच द कंप्यूटर पार्ट्स विद देयर पिक्चर। बहुत ही इजी है ये, आपको कंप्यूटर पार्ट को मैच करना है उनकी पिक्चर से। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, कीबोर्ड। कीबोर्ड कहाँ पे है आपका, ये रहा, यहाँ पे आप नंबर डालेंगे फर्स्ट वन। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड पे क्या दिया हुआ है, स्पीकर, तो स्पीकर के सामने लिखेंगे टू। ऐसे ही थर्ड नंबर पे आपका दिया हुआ है मॉनिटर, तो मॉनिटर के सामने कहाँ क्या लिखेंगे, थ्री। और फोर्थ नंबर पे आपका दिया हुआ है माउस, माउस के बॉक्स में क्या लिखेंगे, फोर। और सिस्टम यूनिट यानी कि CPU के सामने क्या लिखेंगे, फाइव। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए पार्ट सी, पेज नंबर है 15। अरेंज द IPO साइकिल। इसके नीचे आपको IPO, जैसा कि मैंने पहले लेसन में भी समझाया था, प्रोसेसिंग किस में होती है, CPU में, तो CPU के नीचे लिखेंगे P। ठीक है, आउटपुट हमें कौन दिखाता है, मॉनिटर, तो मॉनिटर के नीचे लिखेंगे O, और कीबोर्ड के नीचे हम लिखेंगे I। ठीक है, तो ये प्रोसेस CPU के नीचे P, मॉनिटर के नीचे O आउटपुट, और कीबोर्ड के नीचे इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट D, आपको गिव टू एग्जांपल्स देने हैं इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस के और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहले इनपुट डिवाइस देखते हैं हम। इनपुट डिवाइस में है आपका कीबोर्ड और माउस, इनसे हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। तो ये कीबोर्ड, KYPOARD, MOUSE, माउस। ठीक है, इसमें लिखेंगे ए पार्ट में कीबोर्ड और बी पार्ट में माउस। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल है हमारे मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर की स्पेलिंग है MONITOR, प्रिंटर की है PRINTER। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आएगा आपका लैपटॉप और टैबलेट। लैपटॉप की स्पेलिंग क्या है, LAPTOP। ठीक है, और टैबलेट की है TABLET। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ट्रू और फॉल्स, ई पार्ट है, पेज नंबर 15 पर ही। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, ये तो सबको पता है ना, कंप्यूटर जल्दी काम करता है, ये ट्रू है। कंप्यूटर मेक मिस्टेक, फॉल्स, गलती नहीं करता। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर गलती करता है, तो ये फॉल्स है। कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, यस, बिजली की ज़रूरत होती है ना कंप्यूटर को। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, इट्स ट्रू। ठीक है, कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर फॉरगेट मैनी थिंग्स, नो, फॉल्स। ठीक है, वो भूलता नहीं है।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 16। अब हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं? टैबलेट और लैपटॉप, दो टाइप हमने कंप्यूटर की इसमें बताई है। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का यूज़ क्या है? इनपुट डिवाइस इज़ यूज़ टू प्रोवाइड डाटा एंड टू द सिस्टम यूनिट, यानी कि सीपीयू को डाटा पहुंचाता है। जब आप पेंट करते हो तो इसमें आपको आप पे इनपुट डिवाइस से कीबोर्ड और माउस से लिखते हो ना, तो ये प्रोवाइड करवाता है डाटा टू द सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू को। इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा टू द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइस? ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का क्या यूज़ है? आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप पेंट में जो भी वर्क करते हो वो कहाँ काम करते हो आप? वो आप मॉनिटर पे आपको दिखता है ना, तो आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, पेज नंबर 16 पर ही। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। यहाँ पे आपको देखिए हिंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप इनकी स्पेलिंग को देख सकते हैं और मैंने भरा भी हुआ है, इसमें फिल भी किया हुआ है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, ठीक है, FAST। डैश इज स्लिम एंड वेरी इजी टू कैरी। कौन सा कंप्यूटर है जो स्लिम होता है? टैबलेट। ठीक है, द डैश इज़ द ब्रेन। ब्रेन किसको कहते हैं कंप्यूटर का? CPU को। कंप्यूटर फॉलो, कौन सी साइकिल फॉलो करता है? ये तो सबको पता ही है ना, समझ आ गया होगा, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल। ठीक है, यहाँ से आप इनकी स्पेलिंग भी, आपको अगर नहीं समझ आएगी तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर आर डैश मशीन। मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग या डबल टास्किंग? मल्टीटास्किंग। यहाँ टास्किंग से मतलब है कि एक टाइम में एक से अधिक कार्य कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, डैश नेवर मिस्टेक। ह्यूमन, कंप्यूटर या बोथ? तो कंप्यूटर पे टिक करेंगे आप। थर्ड है शार्पनिंग ए पेंसिल। पेंसिल को जब आप शार्प करते हो तो वो कौन सा प्रोसीजर है? इनपुट है, आउटपुट है या प्रोसेस है? प्रोसेस पे टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस काम हो रहा है उसमें। डैश प्रोसेस द कमांड दैट कंप्यूटर रिसीव एंड शो आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस। कौन करता है प्रोसेस कमांड को? ठीक है, तो ये इसमें क्या आएगा आपका? CPU। क्या आएगा? CPU। तो ये जो वर्क है आपका 4 पेजेस, पेज नंबर 14, 15, 16 और 17, ये आपको बुक पर ही करना है साफ साफ। ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के ध्यान से बिल्कुल साफ साफ वर्क करना है। ठीक है, और इसको अच्छे से राइट करना है पेंसिल से, आपने पेंसिल शार्प करके अच्छे से साफ़ सुथरा राइट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।